गुड आफ्टरनून एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकुल कौशल है और मैं एक ऑर्थोपेडिक शोल्डर और नी स्पेशलिस्ट हूं। और आज मैं आप सब लोगों के साथ एक टॉपिक डिस्कस करना चाहूंगा जो काफी मेरे दिल के करीब है, कंधे की बीमारी, रोटेटर कफ टीयर्स। जनरली कंधे की दर्द के काफी कारण हो सकते हैं, उनमें से एक जो कि काफी निग्लेक्टेड है वो है रोटेटर कफ प्रॉब्लम। तो आइए कुछ समझें रोटेटर कफ के बारे में। तो जो रोटेटर कफ्स हैं, समझना जरूरी है कि ये रोटेटर कफ क्या चीज है। कंधे की दर्द को काफी टाइम सर्वाइकल के साथ कंफ्यूज किया जाता है, फ्रोजन शोल्डर कंधा जाम में इसे कंफ्यूज किया जाता है, या बोल जाता है कि जी ये तो सर्वाइकल है, ठीक हो जाएगा अपने आप, बट प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता है। तो समझना है कि रोटेटर कफ भी एक कारण है जिसके कारण कंधे में दर्द होती है और पेशेंट को आराम नहीं आता, और इसका अगर ठीक से इलाज ना हो तो पेशेंट काफी टाइम तक सफर करता है। तो समझना जरूरी है कि रोटेटर कफ क्या है। रोटेटर कफ एक ग्रुप ऑफ मसल्स मांसपेशियां हैं जो हमारे शोल्डर ब्लेड को, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में स्कैपुला बोलते हैं, वो हमारी बाजू के साथ उसको कनेक्ट करता है, जिसको कि हम मेडिकल टर्म्स में ह्यूमरस बोलते हैं। तो ये एक पूरी की पूरी मसल है जो कि इस कंधे को मूव करती है पूरा का पूरा, बाजू को ऊपर उठाने में मदद करती है, बाजू को शरीर से दूर ले जाने में मदद करती है, बाजू को पीछे कमर के पास ले जाने में मदद करती है। और ये इतनी बड़ी मसल एक रस्सी के द्वारा, जिसको हम टेंडन बोलते हैं, उसके थ्रू अटैच होती है इस हड्डी के ऊपर। तो पीछे की तरफ से देख सकते हैं हम इतनी सारी मांसपेशियां जो जाके हमारी बाजू को अटैच हो रही हैं, और आगे की तरफ से भी कंधे की सारी मांसपेशियां अटैच हो रही हैं। तो इस पूरे ग्रुप ऑफ मसल्स को हम रोटेटर कफ बोलते हैं, और इसमें कोई भी दिक्कत होने के कारण ये कंधे के आसपास दर्द और दिक्कत पैदा करती है। तो समझना जरूरी है कि ये रोटेटर कफ में प्रॉब्लम कैसे हो सकता है। एक चीज जो बहुत ही कॉमन है वो है ओवर यूज। ये प्रॉब्लम जो है ज्यादातर यंग पॉपुलेशन में, जो less than 30 हैं, उनमें पाई जाती है। स्पेशली जो लोग जिम करते हैं, जिम में एक्सरसाइज करते हैं, बेंच प्रेसेस मारते हैं, ऑल्सो ऑल्सो इन स्पोर्ट्स पर्सन जैसे कि टेनिस प्लेयर, बैडमिंटन प्लेयर, और एनीबडी हु इज इंगेजिंग इन ओवरहेड एक्टिविटीज। दूसरी श्रेणी के लोग हैं जिनको ये दिक्कत परेशान कर सकती है, वो है अनअकस्टम्ड एक्टिविटी, कि हम कोई ऐसी एक्टिविटी कर लें जो हम रूटीनली नहीं करते और हम उसको ओवरडू करते हैं, जिसके कारण इन मांसपेशियों के ऊपर स्ट्रेन आ जाता है और उसके कारण ये रोटेटर कफ हमारे को परेशान करना शुरू कर देता है। और उम्र के साथ थोड़ा थोड़ा बॉडी में वियर एंड टियर होता है, जिसको हम डिजेनरेटिव वियर एंड टियर बोलते हैं। ये हमारे कंधे की मांसपेशियों को भी इफेक्ट करता है, एंड यूजुअली दिस अकर्स आफ्टर 40 और 50 ईयर्स ऑफ एज। इंजरी, चोट लग जाना तो किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, उसके कारण भी हमारा रोटेटर कफ हमारे को परेशान कर सकता है। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर ओवर यूज के कारण, कोई डिजेनरेटिव वियर एंड टियर में अगर हम कोई नई ताजी चोट लगा लें, उसके कारण भी एक अक्यूट और क्रॉनिक इंजरी हो सकती है। तो रोटेटर कफ में प्रॉब्लम हो रहे के कारण मरीज को क्या दिक्कत आती है, ये समझना जरूरी है। पेशेंट जनरली दर्द कंप्लेन करता है बाजू के ऊपरले हिस्से में और बाहरले हिस्से में। कभी भी उसको बाजू का इस्तेमाल करना पड़े, जैसे कि कोई भी चीज उसको उठा के ऊपर रखनी हो, हाथ पीछे लेके जाना हो, बटुआ निकालना हो, शर्ट डालनी हो, बाल बनाने हो, इन सब में उसको दिक्कत आती है। पेशेंट के एक जो सबसे बड़ी कंप्लेंट ये रहती है कि डॉक्टर साहब मैं रात को सो नहीं पाता, और स्पेशली उसकी नींद तब हराम होती है जब उसको कभी कभार उस कंधे की तरफ करवट लेके सोना पड़े। कभी कभार तो मरीज ऐसा ही इतनी तकलीफ में होता है कि रात को उसको नींद नहीं आती और बेचारा इंसोमनिया हो जाता है। तो समझना जरूरी है कि ये जो रोटेटर कफ का प्रॉब्लम है वो किस लेवल तक और किस स्टेज में, हमें समझना जरूरी है कि वो किस तरह से हमारे को परेशान करता है। तो ये हमारा एक शोल्डर का मॉडल है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि ये हमारी रोटेटर कफ की मसल्स हैं जो कि आके हमारी बाजू के ऊपरले हिस्से में अटैच हो रही हैं। इसी बाजू के ऊपर एक छोटी सी हड्डी होती है, और उस हड्डी के बीच में और इन मसल्स के बीच में एक छोटा सा कुशन होता है जो इसको ग्लाइडिंग मूवमेंट देता है। तो जनरली यंगस्टर्स में और यंग एज ग्रुप में जब हम ओवर यूज करते हैं, एक्टिव स्पोर्ट्स खेलते हैं, और हमारी बॉडी में मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती उस लोड को सस्टेन करने को, तो उसमें ओवर यूज इंजरी होती है, जिसमें कि टेंडन्स के अंदर स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन होता है, जिसको हम ओवर यूज टेंडनाइटिस बोलते हैं। सिमिलरली ओल्ड एज में वियर एंड टियर होने के कारण, बोन्स की ओवर ग्रोथ होने के कारण, बोन्स का जिसको बोलते हैं कि स्पर बन जाते हैं, आर्थराइटिस हो जाता है, उसके कारण ये हड्डी बढ़ने के कारण यहाँ पे गैप नैरो हो जाता है, तो ये कुशन के अंदर भी इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाती है। और जब भी हम कंधे की मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं तो ये एक्स्ट्रा बोन और ये इन्फ्लेम्ड कुशन है, ये रब करता है इन मसल्स के साथ और इनमें
पेन और इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, इसको हम एक इंपिंजमेंट सिंड्रोम बोलते हैं। ये भी एक रोटेटर कफ का एक पहलू है। और कभी कभार अगर हम ये दोनों स्टेजेस को नेग्लेक्ट करें और पेशेंट इसी को अपनी ट्रीटमेंट को प्रॉपरली ना ले, तो कभी कभार ये मसल इतनी कमजोर हो जाती है कि थोड़ा सा भी जोर झटका कुछ लगे तो ये मसल फट जाती है, जिसको कि हम रोटेटर कफ टियर बोलते हैं। रोटेटर कफ टियर इज अ वेरी सीरियस इशू। इस सब में एक कंधे के स्पेशलिस्ट का क्या रोल है वो भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को प्रॉपरली इवेल्युएट किया जाए, क्योंकि ये कंधे की बीमारी है, इसलिए आजकल शोल्डर स्पेशलिस्ट का रोल इसमें काफी इंपॉर्टेंट और इंटेग्रल हो जाता है। एक बार पेशेंट को क्लिनिकली एग्जामिन करके, पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेके, उसको इलाज तक पहुंचना, उसको किसी भी चीज का इलाज करने से पहले उसका डायग्नोसिस बनाना जरूरी है। डायग्नोसिस करने के लिए जनरली हम पेशेंट को क्लिनिकली इवेल्युएट करते हैं, और उस डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे कि एक्सरे, एमआरआई देखने के लिए कि वो बीमारी किस स्टेज में पहुंच चुकी है, और उसी के हिसाब से पेशेंट को ट्रीटमेंट ऑफर किया जाता है और पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस, उसको मतलब प्रोग्नोसिस वो समझाया जाता है। तो ट्रीटमेंट बेसिकली, एक तो पेशेंट की एजुकेशन बहुत जरूरी है कि वो किस डिजीज से सफर कर रहा है, उसका आगे क्या इलाज रहेगा। उसी प्रकार से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जब पेशेंट एक्यूट पेन में हो उस टाइम पे जो भी एग्रीवेटिंग एक्टिविटीज हैं वो कम से कम करें। हम पेन मेडिकेशंस भी देते हैं, थोड़ी पेन किलर्स, ताकि पेन को हम स्वेलिंग को कंट्रोल करें। कैल्शियम देते हैं बोन्स को मजबूत करने के लिए, मल्टीविटामिन एडवाइस करते हैं ताकि मसल्स में थोड़ी स्ट्रेंथ बनी रहे, और जैसे जैसे पेशेंट की पेन कंट्रोल होती है हम धीरे धीरे करके उसमें उनको एक्सरसाइज थेरेपी पे डालते हैं, ताकि उनकी मसल्स में जो एज के कारण, वेयर एंड टियर के कारण और इंजरी के कारण जो वीकनेस और वेस्टिंग आई है उसको हम वापस स्ट्रेंथनिंग और रिकवरी के प्रोसेस पे ला पाए। कभी कभार अगर पेशेंट मेडिकेशंस को नहीं रिस्पॉन्ड करता, उसकी पेन नहीं सेटल हो रही, तो हम कभी कभार कंधे के आसपास जहां पे वो स्वेलिंग का एरिया, वहां पे हम लोकल इंजेक्शंस भी लगाते हैं। ऑलमोस्ट 80-90% पेशेंट्स मेडिकेशंस और फिजिकल थेरेपी से काफी इंप्रूव हो जाते हैं। 5-10% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें बेचारी कोई इंप्रूवमेंट नहीं आती, और उनमें फिर हमारे को सर्जरी का ऑप्शन डिस्कस करना पड़ता है। सर्जरी भी आज के टाइम में कंधे की दो प्रकार की है, एक है आर्थ्रोस्कोपी जिसको हम दूरबीन द्वारा इलाज बोलते हैं, और एक होता है ओपन सर्जरी जो कन्वेंशनल जिसमें चीर फाड़ वाली सर्जरी होती है। कुछ पेशेंट्स ऑपरेशन का नाम सुनकर डर जाते हैं और उनके मन में यही रहता है कि कोई ना दवाई से काम चला लेंगे, बट ये समझना जरूरी है कि अगर हम अपने बीमारी का सही टाइम पे सही इलाज ना कराएं तो उससे क्या आगे जाके उसकी कॉन्सिक्वेंसेज होंगी। तो एक तो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ तो खराब होती ही होती है अगर उसका रोटेटर कफ टियर हो, जिसको वो दवाई और एक्सरसाइज से नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, और धीरे धीरे करके जो टियर है, जो मसल फट गई होती है, वो धीरे धीरे करके उसका साइज बढ़ता जाता है, जिसके कारण और भी रस्सियों को वो इन्वॉल्व करता है। और जब एक टाइम ऐसा आ जाता है जिसमें कि पेशेंट पहले तो दर्द से बेचारा परेशान होता, बाद में वो बेचारा बाजू ही नहीं उठा पाता, उसको बाजू उठाने के लिए अपने दूसरे हाथ का सहारा लेना पड़ता है, विच इज अ वेरी बिग डिसेबिलिटी। और साथ के साथ ही क्योंकि वो मसल टियर है और मसल काम नहीं कर रही है, तो वो मसल में वेस्टिंग आनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण वो मसल में और कमजोरी बढ़ जाती है, जिसके कारण दर्द का एक साइकिल बन जाता है। दर्द भी बढ़ती है, कमजोरी भी बढ़ती है, और ऐसी करके एक विशेष साइकिल बन जाता है। और इस सबसे आखिरकार जाके क्या होता है कि कंधा हमारा खराब हो जाता है, कंधा में आर्थराइटिस हो जाता है, और एक बार आर्थराइटिस हो गया कंधे में तो उसमें फिर कल को जाके दवाइयां इतना हेल्प नहीं करती, और हमारे को उसमें जाके बड़े कॉम्प्लेक्स सर्जरीज करनी पड़ती है, जैसे कि कंधा बदलने की प्रतिक्रिया। इसलिए बहुत लाजमी है कि हम इस रोटेटर कफ की बीमारी को जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करें और उसी हिसाब से उसको जल्दी से जल्दी ट्रीट करें, ताकि हम आर्थ्रोस्कोपी के पूरे बेनिफिट्स उठा पाए। अब आर्थ्रोस्कोपी क्या चीज है उसके बारे में आपके साथ मैं थोड़ा शेयर करना चाहूंगा। दिस इज एन एडवांस एंड रिसेंट टेक्निक जिसमें कि हम इसको की होल ऑपरेशन बोलते हैं, जिसमें कि हम कंधे के आसपास पेशेंट को एनेस्थीजिया देके बेहोश कर देते हैं, उसका कंधे के आसपास छोटे छोटे से पंक्चर्स करते हैं, जिसके थ्रू हम एक छोटा सा टेलीस्कोप इंट्रोड्यूस करते हैं जॉइंट के अंदर, और वही जॉइंट के अंदर जो टेलीस्कोप है वो हमारे को स्क्रीन के अंदर अपना पूरा बड़ा मैग्नीफाइड पिक्चर दिखाता है कि अंदर कंधे में क्या चल रहा है, और इसी में हम देख के छोटे छोटे पंक्चर्स के थ्रू ही छोटे छोटे बड़े माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके उस पैथोलॉजी को ट्रीट भी कर देते हैं। इसलिए समझना जरूरी है कि कंपेयर टू ओपन सर्जरी आर्थ्रोस्कोपी की कई एडवांटेजेस है, क्योंकि इसमें कोई चीर फाड़ नहीं है तो पेशेंट को पेन भी बहुत कम होती है, कोई चीर फाड़ नहीं है इसलिए ज्यादा कॉस्मेटिक भी है, कोई बड़े खराब से स्कार्स भी नहीं रहते, स्टिफनेस का चांस बड़ा कम है क्योंकि कोई ओपन सर्जरी नहीं हो रही है इसलिए इन्फेक्शन का रिस्क बड़ा कम है, कोई टांकों की जरूरत नहीं पड़ती है, दर्द कम है इसलिए दर्द की दवाइयों का भी रोल बड़ा कम रह जाता है, और पेशेंट अर्ली अपने काम को और अपनी गेम में रिटर्न भी कर पाता है। थैंक यू। तो दोस्तों ये था कुछ
मेरी तरफ से एक इंफॉर्मेशन पेशेंट्स के लिए समझने के लिए कि रोटेटर कफ क्या चीज है और वो कैसे लोगों को परेशान करती है और इसका इलाज है, अच्छा इलाज है, इसलिए कहीं प्लीज डोंट सफर इन पेन, मीट योर शोल्डर स्पेशलिस्ट एंड गेट योरसेल्फ इवैल्यूएटेड प्रॉपर्ली एंड गेट ट्रीटेड प्रॉपर्ली। थैंक यू।